शिवराज सिंह चौहान आज सदन में सभापति महोदय को पेनड्राइव दिखाने लगे और राहुल गांधी के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लपेट ही दिया। आप जब सुनेंगे तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ज़्यादा होशियारी के चक्कर में मोदी जी के भी पत्ते खोल दिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हुआ ऐसा कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, एक सवाल के जवाब में सदन के भीतर बोल रहे थे और बोलते बोलते राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि नाटक करते हैं, नाटक करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। पूरे देश में एक नेता ने यात्रा निकाली, माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, के बाद हरियाणा के सोनीपत भी पहुंचे 2023 में। वहां खेतों में रियल के चक्कर में उन्होंने रील बनाई। उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए सोनीपत, रियल दिखने के लिए रील बनाई, खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था। सभापति महोदय, 2023 का वीडियो है सोनीपत का, अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं। किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूँ। ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूँ। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पर, इसके कहाँ खड़ा होना है क्या सभापति। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान बोल तो रहे थे राहुल गांधी को लेकर के, कह तो रहे थे राहुल गांधी को लेकर के कि नाटक से काम नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उन्हें सुन रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि भाई ये नाटक तो मोदी जी भी करते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान मोदी जी पर इशारा कर रहे हैं, मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि रील से काम नहीं चलेगा, रील, रियल के चक्कर में रील बनानी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा रील तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं, खुद कैमरे से फोटो खींचते हुए आपको कई बार नजर आए होंगे। तो मंदिरों में जाकर के उनकी तस्वीरें कितनी वायरल होती हैं, जब कैमरामैन ज़्यादा देखते हैं आसपास के लोगों से, तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने ज़्यादा होशियारी के चक्कर में आज सदन के भीतर राहुल गांधी के साथ साथ मोदी जी को भी लपेट दिया। मोदी जी भी अगर उनके इस भाषण को सुन रहे होंगे या बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तो कह रहे होंगे कि भाई शिवराज, ये क्या कर दिया आपने आज, कम से कम देख करके तो बोला करो कि वो बात मेरे ऊपर ही तो लागू नहीं हो रही है कहीं। और शिवराज सिंह चौहान जी के पास कोई भी जवाब नहीं हुआ होगा। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।